विशिष्ट अतिथि से विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन पर एवं देवी सरस्वती की छाया चित्र पर पुष्प अर्पण कर ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के प्रति समस्त मानवता की कृतज्ञता को परिलक्षित करने की कृपा करें। हेलो राहुल, मंच के सामने बैठे सभी जन, आप सभी को मेरी ओर से तथा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से सादर प्रणाम। माननीय भारत गणराज्य के राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में पाकर विश्वविद्यालय परिवार आह्लादित है। हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं चंदन करते हैं। आपका मार्गदर्शन एवं पाथे हम सभी को प्राप्त होगा, यह विश्वविद्यालय के लिए एक उपलब्धि है। मान्यवर, आपका जीवन वृत्त हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इतनी उत्कृष्टता को हासिल करने के बावजूद भी अपने गांव की माटी को याद रखना यह बहुत बड़ी बात है और हम सभी के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है और यह एक पाथेय है। माननीय बिहार राज्य के राज्यपाल श्रीमान श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, जो सपत्नी के यहाँ विराजमान हैं, उनकी कृपा विश्वविद्यालय पर विशेष रूप से है। एक व्यक्ति की कृपा रहना तो यह सामान्य बात है, लेकिन पूरे परिवार की कृपा इस विश्वविद्यालय परिवार पर हो, यह बहुत बड़ी बात है। यह हमें उपलब्धि मिली है, हम आपके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके आगमन से हम हर्षित एवं कृतज्ञ हैं। हम स्वागत करते हैं औरंगाबाद के सांसद, यशस्वी सांसद माननीय सुनिश्चित कुमार सिंह का, जो सामने बैठे हुए हैं, प्रेम कुमार जी का जो नगर के विधायक हैं, और सभी जनप्रतिनिधियों का जो यहाँ पर समय दे करके आए हैं और यथा समय उनका हर संभव सहयोग विश्वविद्यालय परिवार को मिलता रहता है। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिचंद्र राठौर जी भी इस परिसर में मौजूद हैं। हम हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। इस परिसर में जो मेधावी छात्र डिग्री प्राप्त करने आए हैं, उनको मेरा साधुवाद और मेरा अटूट विश्वास है कि वे समाज में एक मानक स्थापित करेंगे। पुनश्च इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल सभी प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, केंद्रीय प्रशासन के लोग, जिनका सहयोग हमें प्राप्त है, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मान्यवर, आपके निर्देशन में विश्वविद्यालय दिनानुदिन उत्कृष्टता हासिल कर रहा है। इसी सत्र में नए मूल्यांकन के दूसरे चरण में नैक द्वारा विश्वविद्यालय को A++ का ग्रेड प्राप्त हुआ है। शोध में उत्कृष्ट
सदस्यता के लिए विजिटर कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर वेंकटेश सिंह को विजिटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। माननीय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के मगध मैदान में गया जनपद में स्थित है, जो भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा घोषित 113 आकांक्षी जनपदों में से एक है और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए यह एक विकास का इंजन है। यह परिसर मात्र 5 साल का है, जिसमें प्रथम चरण का निर्माण पूरा हो चुका है और द्वितीय चरण का कार्य पूर्णता की ओर है और भारत सरकार का इस विश्वविद्यालय पर मगध क्षेत्र के लिए विशेष अनुकंपा है। तृतीय चरण के कार्य के लिए हमें 100 करोड़ का अनुदान इस विश्वविद्यालय को मिल गया है। हम केंद्र सरकार के प्रति साधुवाद देते हैं। 21वीं शताब्दी के आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय ने क्रियान्वित कर दिया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने 21वीं शताब्दी के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में स्नातकोत्तर का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि ही यहाँ की आधार है, जीविका है। कृषि का विकास यहाँ का विकास का पर्याय है और इसीलिए इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए आकांक्षा अपेक्षित दृष्टि होने के कारण यहाँ पर कृषि की पढ़ाई की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय ने इसी सत्र से BSc AG की भी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। इस विश्वविद्यालय की रचना के केंद्र में छात्र हैं और छात्रों के समग्र विकास के लिए विश्वविद्यालय समग्र प्रयास कर रहा है। साथ ही परिसर केवल अकादमिक विशिष्टता पर ही नहीं अपितु कैंपस टू कम्युनिटी उपागम को अपनाकर क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। मान्यवर, यह विश्वविद्यालय अभी शैशवावस्था में है। यह कैंपस मात्र 5 साल पुराना है। इसकी शुरुआत 2009 में केवल एक विभाग, केवल एक कार्यक्रम और 26 छात्रों के साथ शुरू हुई थी। इस समय विश्वविद्यालय में 34 पाठ्यक्रम हैं और 3,500 विद्यार्थी हैं। हिंद महासागर से लेकर के हिमालय तक भारत देश के लगभग सभी राज्यों के छात्र और छात्राएं यहाँ पर हैं। उन सभी राज्यों के शिक्षक भी यहाँ हैं और इस प्रकार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का इको फ्रेंडली परिसर लघु भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन चंद शब्दों के साथ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। धन्यवाद। अब कुल सचिव माननीय कुलाधिपति महोदय से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देने का निवेदन करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय सामान्य मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय सामान्य विशेष अतिथि को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि शपथ लेने के दौरान वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुल सचिव माननीय कुलाधिपति से अभ्यर्थियों को शपथ दिलाने का आग्रह करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय निवेदन है कि अभ्यर्थियों को शपथ दिलाने की कृपा करें। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह योग्यता निर्धारण के निमित्त ली गई विगत परीक्षाओं में सफल घोषित अभ्यर्थियों को
उपाधि प्रदान करने हेतु समाहूत है। अपन अभ्यर्थीगण समुपस्थित हो। ग्राउंड में 4 नंबर आप। क्या आप लोग निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करते हुए घोषित करते हैं कि आप सभी उपाधि प्राप्त कर मन वचन एवं कर्म से सदाचारी रहेंगे तथा प्रकृष्ट ज्ञान के संपोषण और संवर्धन में प्रतिशील रहकर जीव समाज एवं राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करेंगे? अभ्यर्थीगण बैठ जाएंगे। अब स्नातक उपस्थित किए जाएंगे। अधिष्ठाता भू जीव एवं पर्यावरण विज्ञान पीठ। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं 106 छात्र छात्राओं को आपके समक्ष एमफिल एवं पीएचडी की उपाधि शैक्षणिक वर्ष 2017, 2018, 2020 तथा एमएससी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के तत्परांत परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता सत्र 2016, 2018, 2017, 2019, 2018, 2020 में प्रमाणित की है। मैं इन अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। अधिष्ठाता शिक्षा पीठ। माननीय कुलपति महोदय, मैं 92 छात्र आपके सम्मुख एमएड उपाधि शैक्षणिक सत्र 2017-19, 2018 तथा 4 डिग्री पीएच एवं बीएससी बीएड उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा योग्यता सत्र 2015-19 की है। मैं इन अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। अधिष्ठाता मानव विज्ञान पीठ। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं 15 छात्राओं को आपके सम्मुख एमए की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि 2016, 2018, 2017, 2019, 2018, 2020 में प्रमाणित की है। मैं इन अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। अधिष्ठाता भाषा एवं साहित्य पीठ। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं 25 छात्राओं को आपके सम्मुख एमए की उपाधि है प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता सत्र 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 प्रमाणित की है। मैं इन अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। अधिष्ठाता विधि एवं शासन पीठ। आठ छात्राओं को आपके सम्मुख एलएलएम उपाधि शैक्षणिक वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-20 तथा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी एवं बीएससी एलएलबी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। इन्होंने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता सत्र 2013-2018, 2014-2019, 2015-2020 में प्रमाणित की है, क्योंकि को इनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। अधिष्ठाता प्रबंधन पीठ। Honorable Chancellor Sir, I present unto you 10 candidates who have been examined and found qualified for the degree of MCOM during the session 2018 to 2020, to which I pray
दे मे बी एडमिटेड। अधिष्ठाता गणित सांख्यिकी एवं संगणक विज्ञान पीठ। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं 64 छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख पीएचडी शैक्षणिक वर्ष 2018-2020 एवं एमए एमएससी एमटेक की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने अपने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपनी अपनी योग्यता सत्र 2016-18, 2017-19, 2018-20 में प्रमाणित किए हैं। मैं इन अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूं। अधिष्ठाता जन संचार एवं मीडिया पीठ। Honorable Chancellor Sir, I present unto you 24 candidates who have been examined and found qualified for the degrees of MA during the sessions 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, to which I pray they may be admitted। अधिष्ठाता भौतिक एवं रसायन विज्ञान पीठ। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं 39 छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख एमएससी की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता सत्र 2018-20 में प्रमाणित की है। मैं इन अभ्यर्थियों को इनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान एवं नीति पीठ। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं 60 छात्राओं को आपके सम्मुख एमफिल एवं पीएचडी उपाधि शैक्षणिक वर्ष 2018-2020 तथा एमए की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता सत्र 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 में प्रमाणित की है। मैं इन अभ्यर्थियों को उनकी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। कुल सचिव अनुपस्थित अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदत्त करने हेतु निवेदन प्रस्तुत करेंगे। कुलाधिपति महोदय, विभिन्न संख्याओं के 648 अभ्यर्थीगण, जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्वयं परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है, परंतु दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं हो सके हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी अभ्यर्थियों को उनके अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान कर अनुग्रहित करें। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद के गरिमा में स्वनिहित अधिकार से मैं अनुज्ञा प्राप्त उपस्थित एवं अनुपस्थित सभी छात्र छात्राओं को उनसे संबंधित स्नातक स्नातकोत्तर तथा एमफिल उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा उपदेश देता हूँ कि वे अपने जीवन एवं आचार में अपने को उन उपाधियों के योग्य सिद्ध करें। कुलसचिव के द्वारा कुलाधिपति को उपाधि प्राप्तकर्ताओं की सूची प्रस्तुत की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक मुख्य अतिथि से अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने का निवेदन करेंगे। मैं चांसलर गोल्ड मेडल और स्कूल गोल्ड मेडल प्राप्त करता अभ्यर्थियों को आमंत्रित करता हूं। अंकिता कुमारी, एमएससी लाइफ साइंस एकेडमिक सेशन 2016-2018। सनिया दराक्स किसवार, इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीएससी एलएलबी ऑनर्स 2013-2018।
फरजाना नौसीम, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एकेडमिक सेशन 2017-2019। नवनीत कुमार इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीए एलएलबी ऑनर्स एकेडमिक सेशन 2014-2019। शिवम पांडे एमएससी कंप्यूटर साइंस एकेडमिक सेशन 2018-20। प्राची कुमारी इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएससी बीएड एकेडमिक सेशन 2016-2020। संजय कुमार मोहंती एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स 2018-2020। सुधा सिन्हा इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएससी बीएड एकेडमिक सेशन 2014-18। रोमा कुमारी इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएससी बीएड एकेडमिक सेशन 2015-2019। रबिया फातिमा एमए साइकोलॉजी एकेडमिक सेशन 2016-2018। एलिजाबेथ चिराइन एमए साइकोलॉजी एकेडमिक सेशन 2017-2019। पीयूष आनंद एमए साइकोलॉजी एकेडमिक सेशन 2018-2020। कुमारी प्रज्ञा एमए हिंदी एकेडमिक सेशन 2017-2019। अपर्णा कुमारी एमए इंग्लिश एकेडमिक सेशन 2018-2020। रॉबिन विंसेंट इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीए एलएलबी ऑनर्स एकेडमिक सेशन 2015-2020। अदिति मास्टर ऑफ कॉमर्स एकेडमिक सेशन 2018-2020। प्रियांशु प्रिया एमएससी कंप्यूटर साइंस एकेडमिक सेशन 2016-2018। निमिषा एन जोस एमएससी स्टैटिस्टिक्स एकेडमिक सेशन 2017-2019। आयुष आनंद एमए कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज एकेडमिक सेशन 2016-2018। सौरभ तिवारी एमए कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज एकेडमिक सेशन 2017-2019। रवि रंजन कुमार एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एकेडमिक सेशन 2018-2020। ट्विंकल गोराई एमएससी केमिस्ट्री एकेडमिक सेशन 2018-2020। रीता कुमारी एमए सोशियोलॉजी एकेडमिक सेशन 2016-2018। अफसा परवेज एमए डेवलपमेंट स्टडीज एकेडमिक सेशन 2017-2019। प्रेरणा प्रिया एमए डेवलपमेंट स्टडीज एकेडमिक सेशन 2018-2020। थैंक यू मैडम। सभी डिग्री धारक पुनः अनुशासन हेतु खड़े हो जाएं और कुलाधिपति द्वारा अनुशासनादेश के उपरांत ही बैठें। कुल सचिव कुलाधिपति से उपाधि धारकों को अनुशासित करने हेतु अनुरोध करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय, कृपया उपाधि धारकों को अनुशासित करने की कृपा करें। उपाधि वितरण के पश्चात अब पुरातन आचार्यों की वाणी का अनुसरण करते हुए अवसर के अनुरूप निम्न निर्दिष्ट कुछ अनुशासन कर रहा हूँ। सत्यवादी बने, धर्माचरण करें, स्वाध्याय
सत्य ऐश्वर्य एवं प्रवचन में प्रमाद न करें। माता पिता आचार्य अतिथि एवं राष्ट्र में देव भाव रखें। अनिंद्य कार्य का सेवन करें। श्रेष्ठ जनों का सम्मान करें। जन कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक और विनय पूर्वक वैभव के अनुसार दान करें। आचार के विषय में संदेह होने पर विचारशील लोगों से परामर्श लें। राष्ट्र की अखंडता मानवता की सेवा तथा मूल्यों की रक्षा के लिए स्वहित से ऊपर उठकर कार्य करें। यही आदेश है, यही उपदेश है। कुल सचिव सम्माननीय विशिष्ट अतिथि से उद्बोधन हेतु अनुरोध करेंगे। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन है कि अपने उद्बोधन से सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हम सबको आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच अपने देश के परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी उपस्थित स्वयं यहाँ आकर हमको आशीर्वचन दे रही हैं। हम सबका यह सौभाग्य है। इस अवसर पर यहाँ मंच पर अन्य बैठे हैं, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह जी, कुल सचिव कर्नल आर के सिंह जी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शांति गोपाल पेन जी, यहाँ उपस्थित सभी जिन बहनों और भाइयों ने उपाधि ग्रहण की, ऐसे सभी मेरे युवा दोस्त, उनके अभिभावक, अन्य उपस्थित यहाँ अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित अधिकारीगण, सरकार शासन के अधिकारीगण, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का क्षण जो है, जो अवसर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको गोल्ड मेडलिस्ट जो है, जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, ऐसे विद्यार्थियों का, उपाधि धारकों का यहाँ सम्मान भी किया गया मंच पर लाकर बुलाकर। और मैं बारीकी से देख रहा था कि इनमें से अधिकतर अपनी बहनें हैं, छात्राएं हैं, और इनमें से आज आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है ऐसा मुझे लग रहा था। पता नहीं आप ऐसा है या नहीं, परंतु यह स्वाभाविक है। 2016 के बाद दीक्षांत समारोह नहीं हुआ, उसके बाद आज यह पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है और यह दीक्षांत समारोह वास्तव में हर वर्ष होने की आवश्यकता होती है। मेरा अनुग्रह रहेगा, मेरा आग्रह रहेगा कुलपति और विश्वविद्यालय के सभी लोगों से कि इस दीक्षांत समारोह को प्रत्येक वर्ष बनाने का कार्यक्रम बनाइए, ताकि आपकी उपाधि के कागजात ये सब आपके हाथ में समय पर आने चाहिए। अन्यथा हमारी शिक्षा होती है और कई बार हमको हमारी डिग्री प्राप्त है या नहीं हम किसी को दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है, इसमें यह अनुशासन का एक भाग है। हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में तो अनेक सत्र जो विलंब से चल रहे हैं, यहां तो मैं
केवल अपने दीक्षा के उपाधि के कागज पत्र को सर्टिफिकेट को की बात कर रहा हूं, परंतु हमारे बिहार में हमारे सत्र चलते हैं परंतु परीक्षाएं नहीं हो रही है। इस वातावरण को बदलना होगा, सबने मिलकर स्थिति इस दिशा में प्रयास करने होंगे और जब यह होगा तब हमारे भविष्य के बच्चों के लिए एक बहुत ही आधार हो जाएगा, क्योंकि ये सब बच्चे कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी अगर समय सीमा पर परीक्षा न हो जाए, उनके रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर किए जाए, तो उनको लगता है कि हमारा पूरी एक दो साल वर्ष तो बर्बाद हो चुके हैं। और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं, एक किस पर जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी हम पर आती है, तो विश्वविद्यालय को चलाते हैं उन पर आती है, जो कॉलेज का मैनेजमेंट करते हैं उन पर आती है। हम सबको अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और बच्चों जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। गोल्ड मेडलिस्ट जो यहां आए थे मेडलिस्ट, उनको भी मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। परंतु आने वाला अपना जीवन काल एक विशिष्ट हेतु लेकर करने की आवश्यकता है। अगर उस हेतु को अगर हम स्पर्श न कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप सब इस दिशा में विचार करेंगे। मेरा एक मानना है कि हमारे सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्यार्थी अपना सर्टिफिकेट लेकर अपने उपाधि का कागज लेकर नौकरी ढूंढने के लिए सब जगह जाते हैं, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा ही इतने वर्षों से ऐसी हुई। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इंडियन यूथ प्रिफर्स गारंटेड पॉवर्टी टू रिस्की प्रॉस्पेरिटी। हम सब नौकरी करने के लिए ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, इसका मतलब ही है कि हमारी पॉवर्टी गारंटेड है। परंतु हम अब खुद का कुछ व्यवसाय करना चाहेंगे, रोजगार अब दूसरों को उपलब्ध करने के लिए बाहर आएंगे, नौकरी देने वाले जब बनेंगे देन इट बिकम्स अ रिस्की प्रॉस्पेरिटी, इट इज अ प्रॉस्पेरिटी दो इट इज ए रिस्क। मुझे लगता है बच्चों ने अपने ध्यान में ये बात रखने की आवश्यकता है कि गारंटेड पॉवर्टी चाहिए या रिस्की प्रॉस्पेरिटी चाहिए। आप सब सुज्ञ है, आप जानते हैं क्या करना है। आज अपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में प्रयास कर रही है, अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए एक अपना हमको अवसर दे रही है। हम सबको यह अवसर हाथ में लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, केवल अपने परिवार का नहीं परंतु अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का हित सामने आगे लेकर जाने की आवश्यकता यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको दे रही है। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। हम सब यहाँ परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का संबोधन और उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए उत्सुक है। मैं ज्यादा देर यहाँ ठहरूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलाधिपति मुख्य अतिथि का परिचय कराएंगे तथा उनसे दीक्षांत समारोह उद्बोधन हेतु निवेदन करेंगे। सम्मान्य मुख्य अतिथि का परिचय चंद शब्दों में करना बहुत मेरे लिए कठिन कार्य है। मैं इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन वृत्त, आपका जीवन परिचय, आपकी जीवन शैली, आपकी जीवन दृष्टि हम सभी के लिए एक पाथवे है, एक हम सभी के लिए रोड मैप है। मैं अधिक समय न लेते हुए इन्हीं संक्षिप्त परिचय के साथ मैं महोदया से अनुरोध करता हूँ कि अपने उद्बोधन से
हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के इस कन्वोकेशन में मंच पे विराजमान बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह जी, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ, गार्डियंस एंड दिया स्टूडेंट्स, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे ये बताया गया है कि विद्यार्थियों की को दिए जाने वाले पदकों की कुल संख्या 103 है। इन पदकों में 66 पदक हमारी बेटियों के लिए हासिल किए गए। मैं पदक विजेता छात्राओं को विशेष बधाई देती हूँ। आज जिन 25 विद्यार्थी ने यहाँ स्टेज पे गोल्ड मेडल लेने के लिए आए, उनमें से भी उन 25 में से भी 18 छात्राएं थे और 7 छात्र प्राय सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक बहुत ही सुखद बदलाव है। ये एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में भारत की प्रगति का ज्ञातव्य भी है। मैं समझती हूँ कि इस विश्वविद्यालय में छात्रावासों के नाम गर्गी और मैत्री जैसी महान ऐतिहासिक विभूतियों के नाम पर रखने के मूल में छात्राओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित और सम्मानित करने की सोच निहित है। मैं महिला सशक्तिकरण में सहायक ऐसी प्रगतिशील विचारधारा की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजन, सभी देशवासी इस बात पर गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारे देश में बिहार की इस धरती पर ही विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फली फूली थी। संविधान सभा में आपने समापन भाषण के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि संसदीय प्रणाली के अनेक नियमों को भारत के प्राचीन गणराज्यों और बौद्ध संघों की कार्यप्रणालियों में देखा जा रहा है। भारत के संविधान और आधुनिक गणराज्यों के निर्माण में भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह बिहार की अनेक विभूतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। प्राचीन काल से ही बिहार की ये धरती प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध रही है। बिहार की धरती पर ही चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे प्रकांड विद्वानों ने समाज और राज्यों की व्यवस्था से लेकर गणित और विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी योगदान दिए जिनसे पूरी मानवता के विकास में सहायता प्राप्त हुई। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान की शिक्षा जिस भवन में दी जाती है उनका नाम आर्यभट्ट भवन रखा गया है तथा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु निर्मित भवनों का नाम चाणक्य भवन रखा गया है। इस नामकरण की वास्तविक सार्थकता यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों द्वारा विश्व स्तरीय शिक्षण और शोध के लिए प्रयास करने में भी दिखाई देगी। आज देश विदेश में बिहार के प्रतिभाशाली लोग चौथी औद्योगिक क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार के उद्यमी लोगों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रगति के ऐसे वैश्विक मानदंडों को स्थानीय स्तर पर भी स्थापित करना आप सबका लक्ष्य होना चाहिए।
दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस परिवर्तनकारी दौर में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यक्रमों को शुरू करने का एक समयानुकूल पहल है। मुझे बताया गया है कि ज्ञान विज्ञान को साझा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कैंपस टू कम्युनिटी के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से किस प्रकार लोगों को जोड़ा जा रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलने पर मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे बताया भी गया है कि विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सेलेंस के माध्यम से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में चयन के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहा है। ये सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम की सफलता ठोस परिणामों के माध्यम से साबित होगी। प्यारे विद्यार्थियों, गया के महत्व के बारे में सभी जानते हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल के दौरान गया में ही बौद्ध वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। कालांतर में बौद्धगया पूरी विश्व के श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। शताब्दियों पहले गया में निर्मित बौद्ध स्थापत्य एवं कलाकृतियाँ विशेषज्ञों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस ऐतिहासिक तथ्य का लिखित उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका से श्रद्धालुओं को एक दल बुद्धगया के पवित्र परिसर में भिक्षु भवन की स्थापना करने के लिए आया था। प्राचीन काल से ही बिहार में नालंदा, विक्रमशिला और अदंतपुर नामक शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र विद्यमान थे। गया के पड़ोस में नालंदा में स्थित बौद्ध स्तूप तथा उसका परिसर प्राचीन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष के साक्षी है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के उल्लेख मिलते हैं कि आचार्य शीलभद्र के नेतृत्व में नालंदा महाविहार एक विश्वस्तरीय शिक्षण केंद्र के रूप में सम्मानित था। अनेक देशों से लोग नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। 8वीं सदी में नालंदा महाविहार के पद्म संभोग नामक बौद्धिक विद्वान ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को तिब्बत और चीन में प्रसारित किया था। नालंदा महाविहार में ज्ञान की विपुल राशि वहाँ के पुस्तकालय में संरक्षित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपराओं से जुड़ने के सुझाव के पीछे अत्यंत समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक संदर्भों में पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य भी निहित है। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व के अनेक देशों में टैलेंट शॉर्टेज की समस्या महसूस की जा रही है। भारत के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी युवा विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को तथा उन देशों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति को अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तथा सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज जैसे युवा विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग करके डेमोग्राफिक डिविडेंड से देश को लाभान्वित कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के संकट तथा पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता से आप सभी भोली भांति अवगत हैं।
आप सभी को व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर ऐसी जीवन शैली अपनानी है तथा ऐसी कार्य करने हैं जिनसे प्राकृतिक संपदा का कम से कम उपयोग तथा अधिक से अधिक संरक्षण एवं संवर्धन हो सके। बिहार की पावन धरा पर आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने शांति, अहिंसा, प्रकृति तथा जीव जंतु के प्रति करुणा तथा प्रेम का संदेश दिया था। महात्मा गांधी ने उनके अहिंसा परम धर्म के संदेश की 20वीं सदी में नए आयाम दिए। महावीर बुद्ध और गांधी जी का वो संदेश आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। हमारे देश की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाना विश्व कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकता है। आप सब युवा विद्यार्थी हमारी समृद्ध परंपराओं के संवाहक है। आप सब समाज, देश और विश्व के नवनिर्माण में अपनी भूमिका तय कर सकते हैं और उसे भलीभांति भी निभा सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आपके लक्ष्य में अपने विकास के साथ साथ समाज कल्याण तथा परोपकार के मूल्यों को भी स्थान रहे। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि समाज सेवा एवं परहित के लिए कार्य करने में निजी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ऐसे समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों में भी आपकी उच्च शिक्षा की सार्थकता सिद्ध होगी तथा आपकी सफलता के द्वार खुल जाएगा। मैं एक बार फिर आज उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कर्मयोगी की तरह अग्रसर होते हुए अपने परिवार, समाज और देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुल सचिव कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। हेलो, मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। गुरुर साथ